बिरयानी दोनों का कलर आप देखें, ये पुलाव वाला कलर है। कलर इसका ऐसा क्यों है? ये बिरयानी सर हमारे पास यखनी बिरयानी होती है, यखनी वाली है। जी हाँ। अच्छा सर, बीफ कौरमा। बीफ कौरमा, ओहो बीफ कौरमा भी मिल रहा है भाई यहाँ पे। और ये बराबर में क्या है जी? चिकन कौरमा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं दास राज। नाज़रीन इस वक्त का जो प्लान है वो ये है कि जनाब हज़रत माहौल कराची की ज़बरदस्त बिरयानी है जो है हम ट्राई करने के लिए निकले हुए हैं। तो आज हम जो बिरयानी ट्राई करेंगे वो है बिस्मिल्लाह बिरयानी। बिस्मिल्लाह बिरयानी, जब बिस्मिल्लाह बिरयानी के बारे में ताब भाई ज़रा बताइएगा। जी भाई, बिस्मिल्लाह बिरयानी अभी नॉर्थ आजमाबाद में भी आ गई है, हालांकि इसकी मेन ब्रांच जो है शाह फैसल में, और शाह फैसल की यानी कि उस तरफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो है वो काफ़ी मशहूर बिरयानी है। तो हमने सोचा भाई नॉर्थ आजमाबाद के लोगों को क्यों महरूम रखे राशिद भाई। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिस्मिल्लाह बिरयानी, बिस्मिल्लाह बिरयानी आ गई है। तो जायका कैसा है और क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, सब चीज़ें देखेंगे और ट्राई करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सही ऑन है। बिस्मिल्लाह बिरयानी का एड्रेस समझ लीजिए, ये सामने जो है ना लड्डी कोता चौरंगी रास्ता जा रहा है फाइव स्टार चौरंगी की तरफ। बस शुरू में ही जैसे ही आप आएंगे तो ये राइट हैंड आपको नज़र आ जाएगी, येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है बिस्मिल्लाह बिरयानी का, और ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं और ये सेटअप है। चलते हैं, देखते हैं, खाते हैं क्या बिरयानी है, कैसी है, ज़रा फिर बताते हैं आपको। ये जनाब ये है बिस्मिल्लाह बिरयानी। कौन सी बस है? बीफ है, बीफ बिरयानी है जी। बीफ बिरयानी निकाली आ रही है। ओके ये जनाब ये प्लेट हो गई है तैयार बीफ बिरयानी की, ज़बरदस्त। और इसमें क्या है बॉस? चिकन बिरयानी है। ओह ये भी एक निकाल दो यार, चिकन बिरयानी। ये जी चिकन बिरयानी, दोनों का कलर आप देखें, ये पुलाव वाला कलर है। ये हो गया, ये हो गया, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बन गई है जी प्लेट, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा ये कलर इसका ऐसा क्यों है जी बिरयानी का? ये बिरयानी सर हमारे पास यखनी बिरयानी होती है, यखनी वाली है। जी हाँ। अच्छा यखनी बिरयानी है, ओके, मतलब ये क्या यखनी पुलाव पुलाव की तरह यखनी बिरयानी है ये। चलें फिर ट्राई करते हैं जी। बीफ कौरमा, ओहो बीफ कौरमा भी मिल रहा है भाई यहाँ पे। ये देखें आप, ये सीन है बीफ कौरमे का। वाह कोई असली सा लग रहा है कौरमा, ओरिजिनल। ये कितने का कौरमा है जी? अच्छा जी 180 रुपए का कौरमा है जी, ज़बरदस्त। और ये बराबर में क्या है जी? चिकन कौरमा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई, कौरमा भी चिकन कौरमा भी ज़बरदस्त नस्ली किस्म का लग रहा है। वाह ये आए हुए बच्चे और सेठ साहब मुझे लग रहा है ये जिन्होंने बिल पे किया है। कैसी लगी बेटा बिरयानी? अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी जी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी? माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी थी, यहाँ की काफ़ी तारीफ सुनी थी तभी यहाँ पर आया, और माशाल्लाह जिस ब्रांच पे ये बनी है बहुत अच्छी क्वालिटी की बिरयानी है इसकी। ये जनाब ये हमारे ऑर्डर की प्लेट एक निकल रही है चिकन बिरयानी, ओह चिकन यखनी बिरयानी, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। ये हो गया जी चिकन यखनी बिरयानी, ओहो ज़बरदस्त। अच्छा जी ये, अच्छा जी ये निकल रही है बीफ बिरयानी, ये बीफ बिरयानी निकल रही है जनाब, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, मतलब ये फुल सीन है ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बीफ यखनी बिरयानी, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन।
अच्छा जी, बिरयानी हाजिर है। ये चिकन बिरयानी है, इधर बीफ बिरयानी है। ठीक है जी, मैं चिकन बिरयानी थोड़ा ट्राई करूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके जो चावल है वो यखनी बिरयानी है। यखनी, जिस तरह यखनी पुलाव होता है ना, उसी तरह यखनी बिरयानी है। तो ये एक नई चीज़ मुतारे पर आई है इस इलाके के अंदर, नॉर्थ आबाद के अंदर, के यखनी बिरयानी। तो ये मैं ट्राई करता हूँ, पहले इसको चावलों के साथ ट्राई करते हैं, बताते हैं। यखनी का जायका हाथ हो रहा है, और जो नॉर्मल बिरयानीज होती हैं उससे थोड़ा अलग जायका है। जस्ट लाइक जिस तरह आप देख लीजिए कि नॉर्थ कराची में जो यखनी पुलाव मिलते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता जायका है, तो बेहतर है। अब ज़रा ये इसके साथ ट्राई कर लूँ मैं, चिकन के साथ, ताकि गोश्त का भी दाल हो जाए। काफ़ी सॉफ्ट है और टेंडर है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अब बेहतरीन जायका दे रही है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह, बिरयानी की बिरयानी मौजूद है हमारे सामने और हम ट्राई करेंगे। मेरे पास है बीफ बिरयानी, हमने दोनों बिरयानी मंगा ली थी ताकि टेस्ट का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, राइस का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा शक्ल सूरत से, आम बिरयानी से थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है। और ये बोटी की सूरत काल है, हमने मंगवाई थोड़ी सी छोटी प्लेट। राइस बिल्कुल खिले खिले लग रहे हैं, जैसे राशिद भाई ने बताया कि पुलाव वाला स्टाइल है। खा के देखते हैं, काफ़ी तारीफ सुनी है भाई। बोटियों को थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ मैं। ये बोटी का पीस आ गया और ये थोड़ा सा आ गया राइस, अब बन गया निवाला। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जायका है और मुनफरिद है। जो लोग कम मसाला खाने वाले हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन बिरयानी। मगर ये कि बिरयानी मसाले में तो कम है मगर जायके में बेस्ट है। राइस भी आप देखें खिले खिले लग रहे हैं और गोश्त की सूरत हाल भी जो है ना अच्छी है, साफ़ सुथरा गोश्त डला हुआ है। छोटी प्लेट में जाए वो उस हिसाब से राइस सही है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बिरयानी है, ज़बरदस्त बिरयानी में एक अच्छा इजाफा है। आप क्या लें? तो जनाब, बिरयानी हमने खा ली है और थोड़ा सा अलग जायका था, क्या खा लेता है भाई? मुनफरिद बिरयानी, मतलब जो भी बिरयानी कर, अमूमन कराची में ऐसी बिरयानी मिलती नहीं है। तो मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम खाई है, आप लोगों ने खाई है तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा। और बिस्मिल्लाह बिरयानी की एक ब्रांच जो भाई ने बताया कि वो है शाह फैसल पे। हाँ, इसकी ये मेन ब्रांच शाह फैसल में, चार पांच ब्रांचेस हैं इसकी। राशिद मीनाज रोड पे भी है और गुलिस्तान जौहर में भी है, और चौथी ब्रांच जो है ये नॉर्थ अहमदाबाद में। तो मेरे भाई, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।